अल्लाह 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 अल्लाह। नमाज में ख्यालात आते हैं, कोई हर्ज नहीं। एक बात याद रखो, एक है ख्याल आना, एक है ख्याल लाना, एक है ख्याल जमाना। लाना और जमाना तो मना है, अगर आए तो आने दो, हम खुद तो नहीं ला रहे, वो तो खुद आ रहा है। मेरा मोटरसाइकिल का शोरूम है, मोटरसाइकिल फरोख्त करता हूँ। एक माह के बाद जो बंदा कहते दे, जुर्माना लगाता हूँ, क्या जुर्माने वाले पैसे, हाँ जुर्माने वाले पैसे सूद की माने थे। सोना घर के इस्तेमाल का, उस पर भी ज़कात है। बगैर परचीज मुझे नहीं पता क्या माना है बगैर परचीज। कसर में सुन्नत पढ़ना चाहे पढ़ने वरना माफ है। तवाफ अफजल है मक्के में, तिलावत कुरान पूरी दुनिया में हो सकती है, तवाफ किसी जगह नहीं हो सकती। जो शिया कुरान का मुनकर है, सैयदना अबू बकर का मुनकर है, असमत आयशा का मुनकर है, वो काफिर है। जंगे बदर की मिट्टी जख्म पे लगाए, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा, तुमने पता नहीं कहाँ से सुन लिया। परेशानी का इलाज अल्लाह का कुरान है, और हसबुल्लाह व नेमल वकील। हमारे घर में बहुत परेशानी, हसबुल्लाह व नेमल वकील पढ़े। चार महीने का बच्चा दाए कराना ऐसे है जैसे किसी को कत्ल किया है, उसके बाद रूह पड़ जाती है। मेरे बहनोई बीमार हैं, छोटी भी मिर्गी की मौत, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। अगर एक दो माह का बच्चा है, माँ के नीचे इत्तेफाक से आगे उस माँ पर कोई उसकी दियत नहीं है, बाहर कुरान की लाइन पे हाथ रखना बिदत है। कुरान बैठ के सुनता रहे, किसी और से सुने या मोबाइल फोन में सुने, खत्म है। कुरान पे पैसे लेना नाजायज है। हसबुल्लाह व नेमल वकील, हज़रत इब्राहिम ने भी मांगी, बीबी आयशा ने भी मांगी, सहाबा ने भी मांगी। जमजम बैठ के पिए, अच्छा है खड़े हो के पिए तो जायज़ है। बगैर वजू के मोबाइल से कुरान सुनते रहें, जायज़ है। मेरी वालदा ने कुरान पाक रिश्तेदारों को ख़त्म कराने की मन्नत मांगी थी, बारह खुद पढ़ लें, घर वाले इकट्ठे बैठ के पढ़ लो, उनको भी बुला लो, लेकिन न खाना खिलाओ न पैसे दो, क्योंकि तो फिर वो खाने के लिए आएंगे, कुरान पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। औरत को अगर इस्तेहाजा की बीमारी है, यानी खून बंद ही नहीं होता आता है, तो खामद में हम मिस्त्री कर सकते हैं, लेकिन खतरनाक तो है ना, बीमारी का खतरा तो है ना। औलाद के लिए जो कुरान में दुआएं हैं वो किया करें, रब्बिला तज़रनी फ़र्तन वानतर। ज़हन कमज़ोर है तो या कवी या मतीन, अल्लाह का नाम लेके दुआ किया करें।